ओम शांति। गुड मॉर्निंग। हम सभी भाग्यदाता के भाग्यवान बच्चे संगम युग पर भगवान से मिलन मना रहे हैं। कितना बड़ा भाग्य है। आज बाबा कह रहे हैं हम बच्चों को कि पुण्य आत्मा बनने के लिए जितना हो सके अच्छा कर्म करो, क्योंकि अच्छा कर्म करने से अच्छा फल मिलता है। इसलिए बाबा कहते हैं जितना हो सके सबको सुख दो, अच्छा कर्म करो। बाबा कहते हैं ऑलराउंडर बनो, मतलब हर कार्य में। आप ये मत सोचो कि आपको ये चीज आता है या आती है या नहीं आती है, नहीं आता है, नहीं। मैं सब कुछ कर सकता हूं क्योंकि मेरे साथ स्वयं भगवान है। और वो पहली बात है दैवी गुण धारण करो। बाबा कहते हैं ऐसा मेहनत, बाबा कहते हैं अगर तुम मेहनत करते हो तो पद्मा पदम पति बन जाओगे। और वो मेहनत क्या है? क्रिमिनल आई से सिविल आई बनाना, क्योंकि अंत समय में इन आंखों से संसार की सारी आत्माओं को मुक्ति, जीवन मुक्ति की राह दिखानी है। आंखें ही बहुत धोखा देती है। आंखों को सिविल बनाने के लिए बाप ने युक्ति बतलाई है, बच्चे आत्मिक दृष्टि रखो। मैं भी आत्मा, मेरे सामने वाला जो मनुष्य है जिनका नाम जो भी है, लेकिन वो भी एक आत्मा है। बस इस अभ्यास को करने की हमें निरंतर मेहनत करनी है, पक्का करनी है। इसी मेहनत से तुम जन्म जन्मांतर के लिए पद्मापति बन जाओगे। देखिए सिर्फ बाबा ने कहा आंखों को अगर पवित्र दिव्य निर्मल बना लेंगे तो हमारा 5000 साल का भाग्य श्रेष्ठ बन जाएगा। तो बाबा जो कह रहे हैं अगर आंखें हमने बदली, दृष्टि बदली, आंखें बदली मतलब इसकी दृष्टिकोण बदली, दिव्यता को अपनाया, तो हमारे जीवन कर्म भी श्रेष्ठ होता चला जाएगा। बस इसके लिए अनुभव करना है मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं और सामने वाले भी वो भी आत्मा है। क्योंकि आत्मा जब शरीर में प्रवेश करती है तब वो कर्म कर सकता है। इसी प्रकार बाप भी जब शरीर में प्रवेश करते हैं तब आत्माओं को समझाते हैं। अभी हमारा जिस्मानी कनेक्शन कुछ भी नहीं, अभी हमारा कौन सी कनेक्शन है हम सभी जानते हैं, वो है रूहानी कनेक्शन। आत्मा को जो ज्ञान मिलता है परमपिता परमात्मा से। देहधारी जो भी है सब पढ़ रहे हैं, बाप को तो अपना देह है ही नहीं, क्योंकि हम आत्माएं इस देह में रहते हुए परमात्मा निराकार से पढ़ रहे हैं। बस ये स्मृति दिन भर रखनी है। त्रिमूर्ति से भी शिव को उड़ा दिया, ब्रह्मा द्वारा स्थापना किसने कराया, कौन कराएंगे ये भी नहीं जानते दुनिया वाले। तो दुनिया का रचयिता ब्रह्मा तो नहीं, दुनिया का रचयिता नहीं है। वो कहते हैं ना ब्रह्मा ने संकल्प से सृष्टि रची, नहीं, बेहद का बाप रचयिता सबका एक ही शिवावा है। ब्रह्मा भी सिर्फ अभी तुम्हारा बाप है, फिर नहीं रहेगा। संगम युग में सिर्फ ब्रह्मा बाप है बस, बाकी पूरे 5000 साल पारलौकिक बाप परम पिता परमात्मा जिनको हम याद करते थे, अब याद कर रहे हैं और याद करेंगे। बाबा कहते हैं भगवान आते हैं विश्व का मालिक बनाने के लिए, फिर चिल्लाएंगे क्यों? वहां और कोई खंड नहीं होता है सुखधाम में। बाबा जो सुखधाम बनाएंगे वहां और कोई भी खंड नहीं होता है। इसलिए बाबा कहते हैं दैवी गुण अगर धारण नहीं करेंगे तो क्या होगा? उच्च पद पाएंगे? पद भ्रष्ट हो जाएंगे। जैसे स्कूल में कोई बच्चा पढ़ाई नहीं करेगा तो पास कैसे होगा वो? तो हम बच्चों को भी कितनी मेहनत करनी चाहिए ऊंच पद पाने के लिए, विकर्म विनाश करने के लिए। बस बाबा की याद में रहना है, लेकिन फिर भी हम घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। एक गाना बनाया आपने सुना होगा, मेरे संग संग चलते हैं बाबा, हमेशा अनुभव करें बाबा मेरे मस्तक के पर। मेरे संग संग चलते हैं बाबा, मेरे संग संग चलते हैं बाबा, जैसे गगन में चांद।
चांद चलता है, चलता है उनकी किरणों की छाया में, दिल हर पल रहता है। देखिए हम जब धरती पर चलते हैं तो आकाश में रात में चांद चलता है, वो कभी नहीं साथ छोड़ता। परमात्मा भी वैसे ही है, जो हम अगर संकल्प कर दिए कि परमात्मा सर्वशक्तिवान परम सितारा मेरे मस्तक के ऊपर है 24 घंटा, वो सदा साथ रहेंगे, सुरक्षा भी देंगे। हमने कितने पाप किया है, लेकिन उस पाप को मिटाने के लिए, अभी पुण्यात्मा बनने के लिए परमात्मा को याद करना जरूरी है। अपनी उन्नति करनी है तो चार्ट रखो, बाबा कहते हैं, कहीं पाप कर्म तो नहीं किया। पाप कर्म करेंगे तो क्या होगा, 100 गुना बन जाएगा, क्योंकि हम पद्मापति जैसे बनते हैं ऐसे पाप भी बढ़ जाता है। यज्ञ की संभाल करने वाले बैठे हैं, उनकी राय से करो जो भी करना है। बाबा यज्ञ के बारे में बोल रहे हैं, बाकी सब आशाएं छोड़ देने, इतना ही है, जो भी खिलाओ जैसे रखो, क्योंकि हमने संकल्प लिया है, परमात्मा है मेरे बाबा है मेरे भगवान, अब जो करोगे जैसे खिलाओगे जहां रखोगे वो मैं करूंगा। तो इसलिए बुद्धि हमेशा परमात्मा की तरफ, क्योंकि परमात्मा को याद करेंगे तो सुख पाएंगे, नहीं तो दुनिया अगर बाहर बुद्धि भटकी तो दुख पाएंगे। निश्चय बुद्धि विजयंती, संशय बुद्धि विनाशंती। तो बाबा कहते हैं जितना हम परमात्मा के कार्य पर, परमात्मा की याद में हम निश्चय रखते हैं, अपने आप को आत्मा समझते हैं, तो हमारा विजय जीत होती जाती है। बस इतना ही समझना है, मैं आत्मा हूं मैं देह नहीं, नहीं तो लॉटरी सारी गुम हो जाएगी। हमारी लॉटरी लग चुकी है, सत्यिक में जाएंगे कितने मालामाल होते हैं सत्यिक में, प्रैक्टिकल संगम में भी सर्व खजानों से कितनी खुशियों से भरपूर होते हैं, लेकिन उच्च पद पाने के लिए ये पुरुषार्थ ये मेहनत करनी पड़ेगी। राजा बनने के लिए आए हैं तो सयाने भी चाहिए, बाप की सर्विस भी करनी चाहिए। सेंटर्स कितने आते हैं चले जाते हैं गुम हो जाते हैं, लेकिन जिन्होंने परमात्मा के ऊपर निश्चय किया है उनका भाग्य बनता है, और सत्युग में तो उनको उच्च पद भी मिलता है। ढीले पड़ जाते हैं तो कहेंगे बीमार हो गए। बाबा कहते हैं 21 जन्म के लिए तुम्हें पवित्र बनना है, और पवित्र बनते बनते हम फिर फरिश्ते बन जाएंगे, फरिश्ते के बाद फिर देवता बन जाएंगे, क्योंकि अभी जाना है हमको पावन धाम स्वर्ग में जाना है, इसके लिए आत्माभिमानी बनना है, बस दृष्टि को संपूर्ण पवित्र बनाना है। जितना पवित्र बनाएंगे दृष्टि को उतना हमारा कर्म भी श्रेष्ठ बनेगा, क्योंकि हम राजा रानी बनेंगे, तो राजा रानी बनने के लिए उतना पुरुषार्थ तो करना पड़ेगा। बाबा किस्म किस्म से समझा नहीं देते, माने अलग अलग प्रकार से हम समझाते हैं कि कैसे जन्म जन्मांतर के पाप मिटावे। तो हमारा रजिस्टर बिल्कुल खराब नहीं करना है, अगर देवी गुण धारण नहीं करेंगे, अपनी उन्नति नहीं रखेंगे, चार्ट नहीं रखेंगे, उन्नति नहीं करेंगे, याद नहीं करेंगे, तो फिर हमारे चार्ट खराब हो जाता है। लौकिक में भी जब बच्चा माँ बाप की बात नहीं मानेगा तो फिर उस तरीके से नहीं प्राप्त कर सकता है जो होना चाहिए। तो बाबा कहते हैं धारणा में पुण्य आत्मा बनने के लिए और सब आशाएं छोड़, यह पक्का करना है बाबा जो खिलाएं जहां बिठाएं कोई पाप का काम नहीं करना है, ईश्वरीय लॉटरी प्राप्त के लिए रूहानी सर्विस में लग जाना है, औरों को भी करानी, अच्छे मार्क्स लेने के लिए बाबा कहते हैं कर्म के साथ याद भी करना है, मेरे बाबा का बाबा मेरा, बाबा मेरे साथ है। बाबा वरदान में दे रहे हैं स्नेह के वाण द्वारा, स्नेह में घायल करने वाले स्नेह और प्राप्ति संपन्न लवलीन आत्मा भव। और जैसे है ना लौकिक रीति से कोई किसी को स्नेह में लवलीन होता है तो चेहरे से नैनों से वाणी से अनुभव होता है कि लवलीन है आशिक है, स्टेज पर जाते हैं जितना अपने अंदर बाप का स्नेह इमर्ज होगा उतना ही स्नेह का वाण और स्नेह में घायल कर देगा, अर्थात सत्यु की तरफ परमधाम की तरफ वो आत्माएं जाने लग जाएगी। भाषण की लिंक सोचना पॉइंट दोहराना यह स्वरूप नहीं है, पॉइंट दोहराना सिर्फ स्वरूप नहीं है, स्नेह और प्राप्ति का संपन्न स्वरूप लवलीन स्वरूप है।
जितना बाबा के स्नेह में समा जाएंगे। अथॉरिटी होकर बोलने से उसका प्रभाव पड़ता है। बाबा की शक्तियों का अधिकारी हूं मैं। बाबा स्लोगन में कह रहे हैं, संपूर्णता द्वारा समाप्ति के समय को समीप लाओ। अपने जो संपूर्णता है, ब्राह्मण सो फरिश्ता, इसको संपूर्णता स्टेज लानी है। और इसको कैसे लाएंगे? जब हम संपूर्णता को प्राप्त करेंगे तो समाप्ति के समय भी अपने आप ऑटोमेटिक नजदीक आती जाएगी। आज की मुरली के अनुसार हम सो मान लेंगे, मैं फरिश्ता हूं, मेरे दुनिया से कोई रिश्ता नहीं है। मैं फरिश्ता हूं, सर्व रिश्ता एक परमात्मा से। इसी के साथ मुरली को और गहरा रीति से सोचना है, चिंतन करना है और बाबा की याद में रहना है। मेरे संग संग चलते हैं बाबा, छत्र छाया बनकर मुस्कुराते रहें, आगे बढ़ते रहिए और पुरुषार्थ करते रहिए। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।